अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिक्स दाल बनाना बताऊंगी। ये हमारी चने की, मसूर की, मूंग की, उड़द की और बस यही पांच दालें हैं हमारी। मैं आपको ये बनाना बताऊंगी, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इन दालों के ऊपर कलर होता है तो हमें अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो ये मैंने धो लिया है। अब हम दाल को कुकर में करेंगे। ये देखिए, दाल को हमने कुकर में कर लिया है। अब हम इसमें ये कुछ पाउडरी मसाले डालेंगे, जिसमें ये एक चम्मच धनिया पाउडर है, एक चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच नमक है और ये थोड़ी सी हल्दी। ये हमारा लहसुन और प्याज का पेस्ट है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमारे लहसुन प्याज की कटोरी थी, जिसे हमने अच्छे से साफ करके इसी में पानी ले लिया था और इसी से ही डाल रहे हैं। हम इसमें 2.5 गिलास पानी डालेंगे। उसके बाद हमें आगे ज़रूरत होगी पानी डालने की, तो हम डालेंगे। ये हमने इसमें 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी दाल गली है या नहीं। अब हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे। जब तक 4 सीटी लगती हैं, तब तक हम अपने दाल के अंदर बघार लगाने का इंतज़ाम करते हैं। ये देखिए, हमने ये तेल को गरम करा है। अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज डालेंगे, इसे अच्छे से सौटे करेंगे 2 मिनट तक, हल्का ब्राउन होने तक। ये हमने धनिया डाला दाल में। ये हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे सोटे करेंगे 1 मिनट तक। बस हमारा बघार तैयार है। ये हमने ये दाल में ट्रांसफ़र करा बघार को। देखिए, हमारी दाल बनकर तैयार है। आप इसे जिसके साथ खाना चाहो उसके साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है और ये प्रोटीन से भरी दाल है बिल्कुल। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।